गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइस, सबकी हालत टाइट हुई पड़ी है, सबके सिर दुख रहे हैं और यहाँ पे एल्टीट्यूड इतना ज़्यादा है कि चंकी भाई की भी हालत यहाँ पे टाइट हुई पड़ी है और सभी के सिर दुख रहे हैं। और अभी यहाँ पे सब सो रहे हैं। जिग्नेश भाई है यहाँ पे, दीपू भाई और प्रेरक भाई सब सो रहे हैं। रात को तो मतलब वीडियो बनाने का कोई हालत कोई कंडीशन ही नहीं थी गाइस, इतनी हालत खराब हो गई थी। -5 रात को यहाँ पे होगी -5 डिग्री टेम्परेचर। मतलब ये भी एक अलग एक्सपीरियंस होता है यार। ये देखो राइडिंग ग्लोव्स पहन के सोए हुए हैं। सिर बहुत दुख रहा है। और ये है हमारा एक छोटा सा टेंट, देखो गाइस यहाँ पे सोए हुए सब। देखो ये है जिग्नेश भाई, प्रेरक भाई और दीपू भाई। बहुत बहुत डेंजरस रिस्की और अल्टीमेट एडवेंचर तो था ही। गोम्बो भाई साहब, इस गोम्बो रमजान ने तो सबके गोम्बो उड़ा दिए। सभी के फ्यूज उड़ गए गाइस, सभी के। रात को सच कहूँ, रात को तो कुछ खाया भी नहीं है। तो अभी देखते हैं, अभी तो नहीं निकलेंगे, थोड़ी सी धूप निकलेगी उसके बाद ही निकलेंगे। लेकिन अगर देखते हैं, अगर बाहर जाने का मौका मिलता तो बाहर जाकर बाहर का नज़ारा दिखाएंगे। यहाँ पे गुड मॉर्निंग। सो चलिए देखते हैं बाहर का नज़ारा। अगर हिम्मत तो नहीं हो रही है बाहर जाने की, लेकिन आप लोगों के लिए जाना तो पड़ेगा, जाना पड़ेगा। चलिए बाहर चलते हैं। ये देख लो बाहर का नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत। और ये रहा हमारा टेंट जहाँ हम रह रहे थे। मैं आपको अंदर से भी सब कुछ दिखा दूंगा। और अभी धूप निकली है तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अभी कुछ फ्रेश है, थोड़ा शरीर में अभी भी दर्द है थोड़ा बहुत, लेकिन दुख तो रहा है। यहाँ पे देखो सारे भाई लोग, दीपक भाई, पवन भाई, राकेश भाई, तेजस भाई। हेलो गाइस। हेलो, कैसा रहा गाइस? ठंड थी ज़्यादा, हवा ज़्यादा चल रही इसलिए ठंड थी, बाकी एक्सपेक्टिंग लगभग जीरो के आसपास टेम्परेचर। पूरी रात जगह है, पूरी रात जगह है। आई थिंक आधी रात में शायद -4-5 के आसपास तो टेम्परेचर हो गई हो। तो हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी सभी की। सभी की हालत ऑलरेडी ख़राब है, रवि भी ऑलरेडी ख़राब ही है। मतलब सबके सिर दुख रहे हैं। ये देखो यहाँ पे सारी हमारी गाड़ियाँ हैं। यहाँ पे महेश भाई कैसा रहा? मस्त, एंजॉय, गुड। चलिए आपको टेंट के अंदर का भी नज़ारा दिखा देते हैं। ये देखो भाई, ये है प्रेरक भाई, दीपू भाई, जिग्नेश भाई और चंकी भाई। यहाँ पे बढ़िया टेंशन को टेंशन नहीं है। आप फंस जाएगा इधर, फंस जाएगा मस्त है। अगस्त में चले जाएंगे मंजू हमने पूछा ला, डिटेल लगी है तो ले रहे। अब ये जगह कितने टाइम का रहता है इधर? ये जगह इधर ही रहता है। अच्छा, हम चले जाते हैं। आप महीने में जाते हो, वापिस कब आते हो? कौन से महीने में जाते हो, वापिस कब आते हो? अक्टूबर में।
अक्टूबर में जाता है, जून में आता है, जून में आ जाता है। और ये आप जो माउंटेन का जो वो है वो बोलो ना, ये गोनबो रंजन है, उसमें क्या है एग्जैक्टली? एग्जैक्टली इसमें है गोनबो रंजन, मतलब गोनबो बोलता है हमारा महाकाला, महाकाला महाकाला नहीं यार, महाकाला महाकाला जो हमारे हम बोल रहे वही देखो ना, ये महाकाल नहीं बोल रहा है ना, महाकाला महाकाला। हाँ, और ये बोलता है नेचर में ये महाकाला कुतुरिटी है बोलता है इसमें। अच्छा, जिसका किस्मत है उसको देख जाता है। अच्छा, मंदिर में जाओ, मनस्ट्री में जाओ, महाकाल महाकाला कैसा है, महाकाल कैसा है, बिल्कुल अलग है वो दोनों। अच्छा, है कि नहीं? बराबर। महाकाल हिंदुइज्म में, महाकाल बुद्धिज्म में। ओके, वही है महाकाला है इसमें, ठीक है? तो वही है ये गोनबो रंजन, है ना? ये है गोनबो रंजन, मतलब ये है कुतुरुटी में, इसमें महाकाल है बोलते हैं। समझ गया? समझ गया। हमको भी आया तो पता चलना चाहिए ना। वो तो पता चलना चाहिए। ये होता है गाइस, इसलिए गोनबो रंजन का देखो यहाँ पे मस्त बैठ के चाय और कॉफी पी जा रही है। चेस कॉफी में भी चेस कर लेते हम तो। गाइस चलिए अब यहाँ से निकलने की तैयारी। आगे 3 बाइकर्स निकल चुके हैं, 2 कार यहाँ पे आगे निकली है और अभी हम भी यहाँ से निकलते हैं गोनबो रंजन से।
हमारे साथी है सीन एक बार देखो, मतलब देखो गाड़ी हमारी यहाँ पे और यहाँ पे देखो, मतलब कितनी गहरी खाई है। छोटी सी गलती और समझ लो खेल खत्म। ये देखो बहुत ही रिस्की भाई साहब। गाइस फाइनली काफ़ी सारी ऑफ रोडिंग करके अभी हम पहुँच चुके हैं पूर्णे, और यहाँ से हमें कुछ 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलते जाना पड़ेगा गोम्पा फुक्तल मोनेस्ट्री, जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बढ़िया मोनेस्ट्री है। मतलब कहो कि स्पेशल वो देखने के लिए हमने ये रूट लिया है, और वो
वो एक पहाड़ पर बनी हुई है पूरी मोनेस्ट्री, काफी काफी कई सालों से, हजारों सालों से वो मोनेस्ट्री है। तो यहाँ से 3-4 किलोमीटर में और लगे, लेकिन इसी तरह के एल्टीट्यूड पे 3-4 किलोमीटर चलना मतलब हालत बहुत ख़राब हो जाएगी, और 3-4 किलोमीटर चलने में हमें लग जाएंगे जाने में और आने में टोटल कुछ 5 घंटे के आसपास। तो अभी देखते हैं, लेकिन वो मोनेस्ट्री इतनी खूबसूरत है कि उसे देखने ही स्पेशल हम आए, ऐसा भी कहेंगे तो चलेगा।